बच्चों नमस्कार। लेक्चर 23 का टॉपिक है आज हमारा क्वाड्रेचर, क्षेत्रफलन। जब हम कभी क्षेत्र निकालने जाते हैं, किन्हीं समतल वक्रों के बीच का जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं, तो उसे हम क्षेत्रफलन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइन द एरिया ऑफ ए प्लेन रीजन इज नोन एज क्वाड्रेचर। मतलब कि समतल क्षेत्र है और समतल क्षेत्र के बीच में कोई वक्र हैं, तो उनके बीच का जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं समतल क्षेत्र में वक्रों के बीच का, तो उसे हम क्षेत्रफलन कहते हैं। तो इसमें पहला हम एक रिजल्ट लेते हैं कि एक छोटा सा थ्योरम है, प्रोसेस आपको डिटरमिनेशन ऑफ प्लेन एरिया, मतलब कभी किसी समतल क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, कि प्रूव दैट द डेफिनेट इंटीग्रल, निश्चित समाकल हमने पिछले लेक्चर में देखा था, द डेफिनेट इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स रिप्रेजेंट द एरिया बाउंडेड बाई द कर्व बाई इक्वल एफ एक्स द एक्स एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट्स एक्स इक्वल ए एंड एक्स इक्वल बी। हमें सिद्ध करना है कि निश्चित समाकल ए टू बी, निश्चित समाकल ए टू बी वक्र बाई बराबर एफ एक्स तथा एक्स अक्ष और एक्स बराबर ए और एक्स बराबर बी जो कोटियां हैं उनके बीच का क्षेत्रफल है। फिर से समझ लीजिए, प्रूव दैट द डेफिनेट इंटीग्रल इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स रिप्रेजेंट द एरिया बाउंडेड बाई द कर्व बाई इक्वल एफ एक्स, मतलब एक वक्र हो गया बाई बराबर एफ एक्स, ऑर्डिनेट एक्स एक्सिस और ऑर्डिनेट जो कोटियाँ हम खींचेंगे एक्स बराबर ए पर और एक्स बराबर बी पर। तो इसको समझने के लिए, इसके क्षेत्रफल को समझने के लिए सबसे पहले हम अपना एरिया डिज़ाइन करते हैं कि हमारा एरिया किस प्रकार से होगा। इन्होंने अक्षों की बात की है, तो सबसे पहले हम एक्सिस ड्रॉ करते हैं, एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस। ओके, तो दिस इज़ एक्स एक्सिस। नाउ टेक ए वर्टिकल लाइन एज वाई एक्सिस, कर्व वाई इक्वल एफ एक्स, सो टेक ए कर्व वाई इक्वल एफ एक्स, दिस इज अवर कर्व वाई इक्वल एफ एक्स। मान लीजिए हमने एक पॉइंट लिया ए एक्स एक्सिस पर, सो दिस इज ऑर्डिनेट एट एक्स इक्वल ए, और दूसरा ऑर्डिनेट लिया हमने एट एक्स इक्वल बी। तो जो एरिया आपको निकालना है वो एरिया आपका हो गया, देखिए वाई इक्वल एफ एक्स इस कर्व के नीचे वाला एरिया, ओके, एक्स एक्सिस के ऊपर वाला है ना, अबव द एक्स एक्सिस एंड ऑर्डिनेट एट एक्स इक्वल ए एंड एक्स इक्वल बी। तो ये जो आपका डार्क साइड एरिया दिख रहा है विद इन द लाइंस एंड कर्व, ये एरिया आपको निकालना है। ये हमारा क्वेश्चन है ना, कि ये बताना है कि इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स रिप्रेजेंट
दिस शेडो सेटेड, जो कि येलो कलर से हमने लिया है, बिटवीन द लाइन्स दैट इज ऑर्डिनेट्स एंड एक्स एक्सिस, दिस इज अवर एक्स एक्सिस एंड कर्व वाई इक्वल एफ एक्स। तो जो एरिया हमें निकालना है, पहले हम उस एरिया में वर्टिकल स्ट्रिप्स लेते हैं विच आर पैरेलल टू वाई एक्सिस। ओके, सो लेट द पॉइंट दिस ऑर्डिनेट एट एक्स इक्वल ए, ये पॉइंट आप सी लिए, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ डी, और नीचे दो पॉइंट्स आपने एक्सिस ऑफ एक्स पर ए और बी लिए। मान लीजिए कि ये नेबरिंग पॉइंट है, सॉरी इसको हम थोड़ा दूर लिखते हैं, दीज आर पॉइंट्स पी एंड क्यू। ओके, एंड जो इस पर जो ऑर्डिनेट हैं जो पी एम और पी एन है, तो ये एरिया देखिए, एरिया तो आपने समझ लिया, पॉइंट्स पी इसके कोऑर्डिनेट्स लेते हैं कि लेट पॉइंट्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स पी इज एक्स वाई एंड कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू आर दिस इज नेबरिंग पॉइंट, मतलब बहुत पास में है पी के, सो एक्स प्लस डेल्टा एक्स एंड वाई प्लस डेल्टा वाई, वेयर डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई आर वेरी स्मॉल। तब यहाँ से आप देखेंगे कि कोऑर्डिनेट ऑफ पी एक्स बाय, सो ओ इज अवर ओरिजिन, देयर फोर ओ एम इक्वल एक्स एंड बाई कोऑर्डिनेट इज बाय, सो दिस इज अवर पी एम। ओके, पी एम इक्वल वाई, दिस इज पी एम, कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू आर एक्स प्लस डेल्टा एक्स एंड वाई प्लस डेल्टा वाई, देयरफॉर ओ एन इज एक्स प्लस डेल्टा एक्स एंड नेक्स्ट क्यू एन इज वाई प्लस डेल्टा वाई, देयरफॉर स्मॉल मतलब देयरफॉर एम एन, एम एन दिस इज एम एन की पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं, सो लेट इट पी आर, एम एन इक्वल पी आर इक्वल डेल्टा एक्स एंड एम पी को एक्सटेंड करते हैं और क्यू से वर्टिकल ड्रॉ करते हैं, सो लेट दिस इज एस क्यू, आवर पॉइंट इसको हम रब कर देते हैं पी के लिए, पी को नीचे लिख लेते हैं। ओके, सो दिस इज पी, दिस पॉइंट इज क्यू एंड दिस पॉइंट इज एस। ओके, सो एम एन इक्वल पी आर इक्वल डेल्टा एक्स एंड क्यू आर इक्वल एस पी इक्वल डेल्टा बाई। अभी हमने कल डायग्राम स्केच किया, जो क्वेश्चन है जो हमें प्रूफ करना है कि इंटीग्रल ए टू बी रिप्रेजेंट द एरिया बाउंडेड बाई द कर्व वाई इक्वल एफ एक्स एक्स एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट एट एक्स इक्वल ए एंड एक्स इक्वल बी। तो अभी तो हमने जो स्केच बनाया है उसके बाद अब आप देखेंगे जो दो एरिया हैं, एक तो हम एरिया लेते हैं ए एम पी सी। ओके, ए टू एम, एम टू पी एंड पी टू सी एंड देन सी टू ए, लेट दिस एरिया आर रिप्रेजेंट बाय, दिस एरिया इज रिप्रेजेंट बाय एस एंड एरिया ए एन क्यू सी। इनफैक्ट वी आर गोइंग टू फाइंड द एरिया ऑफ स्ट्रिप्स, स्ट्रिप्स क्या है, एम एन आर पी, ये स्ट्रिप को एक्सटेंड किया है, तो एम एन क्यू एस ये जो स्ट्रिप्स है, थिन स्ट्रिप्स है ये, इसका एरिया हम बताने जा रहे हैं।
दिस स्मॉल एरिया इज सिंपली डेल्टा एस. देयरफॉर डेल्टा एस इक्वल एम एन एरिया ऑफ एम एन क्यू पी. अब कॉन्सेप्ट ये होता है कि इस स्ट्रिप्स को यदि हम मूव करें लेफ्ट एंड देन राइट तो इट कवर्स द होल एरिया ए बी सी डी. सो नाउ कम टू द स्मॉल एरिया एम एन क्यू पी. जैसे एम एन क्यू पी इसको सेट के थ्रू हम बताते हैं. दिस एम एन क्यू पी दिस क्यू ओके दिस थोड़ा सेट का कलर चेंज करते हैं. दिस इज क्यू ये नीचे वाला एरिया ओके. और देन जो कर्व के ऊपर छोटा सा हिस्सा दिख रहा है ये एरिया ओके. सो डेल्टा इज इक्वल एरिया ऑफ एम एन क्यू पी एंड देन एरिया सॉरी पैन को सिलेक्ट करते हैं. एरिया एम एन क्यू पी इन मैग्नीट्यूड लाइट बिटवीन द एरिया. परिमाण में यह एरिया जो है लाइज बिटवीन एम एन आर पी एंड एरिया एम एन सॉरी एम एन क्यू एस. तो ये जो छोटा एरिया है एम एन क्यू पी ये जो इन दोनों एरिया के बीच में लाई करते हैं. अब यहाँ से देखेंगे एम एन क्यू पी चूँकि एम एन क्या है विड्थ है डेल्टा एक्स और ऑर्डिनेट एट पी पी की ऊंचाई बाई है जो कि हमने पहले यहाँ पी एम देखा. तो ये लो आपका वाई डी एक्स ये एम एन देन लेस देन डेल्टा एक्स लेस देन वाई प्लस डेल्टा वाई डी एक्स. फिर से देख लीजिए क्यू तक हाइट लेंगे आप तो जो पूरा एरिया निकलेगा ये वाई प्लस डेल्टा वाई हाइट है और विड्थ है रेक्टेंगल की डेल्टा एक्स. तो ये लार्जर एरिया हो गया स्मॉलर एरिया वाई प्लस वाई इंटू डेल्टा एक्स. विड्थ है ये और पी की जो हाइट है वाई है. सो जो स्मॉल रेक्टेंगल हुआ दिस स्मॉल रेक्टेंगल इसका एरिया हुआ वाई डेल्टा एक्स. और डेल्टा एस क्या है एक्चुअली एम एन क्यू पी जो कर्व यहाँ पी क्यू कर्व है इसके साथ जो एरिया बनता है. सो चूँकि डेल्टा एक्स डेल्टा वाई बहुत छोटे हैं सो टेकिंग लिमिट्स सीमाएं लेने पर एज डेल्टा एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो ओके. बिकॉज इट कैन बी रिटन एज y is less than delta s by delta x is less than y plus delta inequality को हमने डिवाइड किया delta x से. चाहे तो इसको बीच में से इसको हटा दीजिए आप. सो दिस इम्प्लाइज ये रिलेशन आपको मिला inequality में. सो नाउ टेकिंग लिमिट्स जब स्टेप्स बहुत थिन लेंगे हम टेकिंग लिमिट सॉरी ये आप इसको ऐसा देखिए आप इसको ये डेल्टा एक्स सा दिखना चाहिए आपके लिए डेल्टा एक्स बिकॉज डेल्टा एक्स इज वेरी स्मॉल. टेकिंग लिमिट्स एज डेल्टा एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो जब डेल्टा एक्स शून्य की तरफ जाएगा तो आप डायग्राम में देखेंगे कि स्मॉल इंक्रीमेंट मतलब एन अप्रोच करेगा टूवर्ड्स एन दैट इज डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो तब आपका डेल्टा वाई भी शून्य की तरफ जाएगा. सो देयरफॉर वाई इज लेस देन लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो डेल्टा एस बाई
डेल्टा एक्स इज लेस देन लिमिट डेल्टा वाई टेंडिंग टू ज़ीरो वाई प्लस डेल्टा वाई. सो दिस इम्प्लाइज वाई इज लेस देन डी एस बाई डी एक्स. ओके, लिमिटिंग केस में देर में भी इक्वलिटी यहाँ बराबर भी हो सकते हैं. सो वी हैव टू राइट लेस आर इक्वल डेल्टा एक्स डी एस बाई डी एक्स इज लेस आर इक्वल वाई प्लस डेल्टा वाई ज़ीरो. सो दे आर फोर वाई इज डी एस बाई डी एक्स. दिस इम्प्लाइज डी एस इक्वल वाई डी एक्स. वाई इज अपॉन सिंपली कर्व एफ एक्स. सो नाउ इंटीग्रेटिंग बिटवीन ए टू बी. सो ऑन इंटीग्रेशन फॉर एक्स इक्वल ए टू एक्स इक्वल बी इंटीग्रेशन ए टू बी डी एस इक्वल इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स. दिस इम्प्लाइज इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल इंटीग्रेशन डी एस इज एस लिमिट ए टू वी दैट इज वैल्यू ऑफ एस वैन एस इक्वल बी माइनस वैल्यू ऑफ एस वैन एक्स इक्वल ए. सो दिस इज एरिया ए बी सी डी माइनस ज़ीरो. सो दिस इज एरिया ए बी सी डी. फिर से डायग्राम में देख लीजिए आप. वैन एस इक्वल बी एस इक्वल बी मतलब दिस इज कम्प्लीट एंड वैन एस इक्वल ए तो ये एरिया जो हम कम्प्लीट एरिया एस ले रहे हैं ना ऑलनेट एट एस एट एक्स इक्वल एट एक्स इक्वल बी कर्व वाई इक्वल एफ एक्स एंड एक्स एक्सिस. चूँकि ये एरिया हमने एस लिया है ओके सो इसके पहले जो एरिया होगा वो शून्य होगा. मतलब एक्स बराबर ए पर एरिया चूँकि यहीं से स्टार्ट होता है इसलिए एस बराबर ए पर एरिया शून्य होगा. सो द रिजल्ट इज एरिया गिवन बाय ए टू बी एफ एक्स डी एक्स. यही हमें प्रूफ करना था. इसके क्वेश्चंस भी बड़े सिंपल होते हैं. जैसे आप एक इसका प्रॉब्लम लेते हैं. प्रॉब्लम नंबर वन फाइंड द कंप्लीट एरिया ऑफ द सर्किल. फाइंड द कंप्लीट एरिया ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर. हमने वेल नोन फिगर इसलिए लिया है कर्व इसलिए लिया है क्योंकि ये जानते हैं सर्कल हम कैसे ड्रॉ करते हैं. ये ए इसका रेडियस है सेंटर ओरिजिन पर है. तो पहले चलिए हम सर्कल ड्रॉ करते हैं. और इस सर्कल में सॉरी एक्सिस ऑफ एक्स भी हम ले लें एंड एक्सिस ऑफ वाई ड्रॉ करते हैं ओके. ओरिजिन आपका ज़ीरो ज़ीरो एक्सिस ऑफ एक्स एंड देन एक्सिस ऑफ दिस इज एक्सिस ऑफ वाई रेडियस इज ए. सो लेट दिस पॉइंट इज ए विच सर्कल कट्स एट एक्स एक्सिस एंड अनदर पॉइंट विच कट्स एट वाई एक्सिस इज बी. सो यहाँ भी वही प्रोसेस है स्टेप्स हम लेते हैं. आप देखेंगे इसकी विड्थ जो है ये डेल्टा एक्स ओके. सो कर्व पर पॉइंट हमने लिया पी. सो इसके सॉल्यूशन में हम इसको स्केच तो आप करेंगे तो हम इसको डायरेक्टली लिखते हैं एरिया ऑफ द सर्कल. एक बात और देखेंगे आप इट इज द सर्कल इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस क्योंकि एक्स की पावर इवन है तो जितना एक्स एक्सिस के ऊपर है उतना ही एक्स एक्सिस के नीचे भी है. ऐसी सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस भी है. वाई एक्सिस के जितना ये राइट में है ओके और वाई एक्सिस के उतना ही ये लेफ्ट में है. सो इट इज़ आल्सो सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस.
तो यदि हम बात करते हैं एरिया की, तो आप देखेंगे कि ये जो एरिया है, जो पॉजिटिव एक्स बाई में है, जिसको ब्लैक से हम सेट कर रहे हैं, ये जो एरिया है इसका जो 4 टाइम्स होगा वो सर्कल का एरिया होगा। ओके, तो इससे हम लिख सकते हैं एरिया, सॉरी, एरिया ऑफ द सर्किल इक्वल द 4 टाइम्स 0 to a f(x) dx। f(x) इज सिंपली वाई, सो दिस 0 to a y dx। चूंकि एरिया आपको निकालना है बाय द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन आप निकालेंगे, इसलिए कोई फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं एरिया निकालने के लिए। सर्कल का एरिया बहुत आसानी से समझ गए होंगे, दिस एरिया ऑफ सर्कल इज पाई ए इसका, लेकिन हमें विद द यूज़ ऑफ इंटीग्रेशन इसको निकालना है। सो दिस 4 टाइम्स 0 to a y dx, और वाई की वैल्यू बस सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर, देयरफॉर वाई इज इन पॉजिटिव क्वाड्रेंट, वाई इज रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इन पॉजिटिव क्वाड्रेंट। ओके, जहाँ की वाई पॉजिटिव है, सो दिस इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स इक्वल 4 टाइम्स। इंटीग्रेशन के लिए फॉर्मूला आपके पास है, दिस इज एक्स बाई टू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू, सॉरी दिस इज, हाँ, ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए विथ लिमिट एक्स इक्वल 0 to x equal a। वैन वी पुट एक्स इक्वल ए, सो द फर्स्ट टर्म बिकम्स 0, एंड वैन वी पुट एक्स इक्वल 0, सो अगेन फर्स्ट टर्म बिकम्स 0। सो नाउ पुट एक्स इक्वल ए इन सेकेंड टर्म, सो दिस इज ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स ए बाई ए माइनस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स 0। सो दिस इज 2 a² साइन इनवर्स 1, एंड साइन इनवर्स 1 इज पाई बाई टू, सो द रिजल्ट इज पाई ए स्क्वायर। सो दिस इज एरिया ऑफ सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर। तो मुख्य बात यह होती है यहाँ बच्चों इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कि आपको डायग्राम को स्केच करना आना चाहिए। तो जैसे इलिप्स का एरिया भी आपने निकाला है कि इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1 का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ओके, फाइंड फाइंड एरिया ऑफ द पॉजिटिव क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ द पॉजिटिव क्वाड्रेंट ऑफ द एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1। तो डायग्राम मैं स्केच नहीं कर रहा हूँ या सिंपली आपको बता देते हैं बच्चों, क्योंकि डायग्राम आपके लिए बहुत ज़रूरी है, डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है। तो इलिप्स आप जैसे ड्रा करेंगे, इलिप्स में मेजर एक्सिस होगा, माइनर एक्सिस होगा, एक्सिस ऑफ एक्स बाई आप ड्रा करेंगे। ओके, और इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1 है। तो मान लीजिए मेजर एक्सिस ए है और माइनर बी है, सो दिस इज ए 0 पॉइंट एंड दिस इज 0 b, पॉइंट ए एंड बी। ओके, सो हम इसको डायरेक्ट एरिया लिखते हैं, चूँकि इन्होंने केवल पॉजिटिव क्वाड्रेंट की बात की है, इसलिए जो आपका एरिया होगा केवल जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस बाई एक्सिस के साथ होगा वही आपका रिक्वायर्ड एरिया होगा। ओके, तो एरिया इज 0 to a f(x) dx r y dx एंड y इज
जीरो टू ए वाइज बी बाई ए रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आप इक्वेशन से वैल्यू निकालेंगे जो गिवन इक्वेशन है वाई की वैल्यू, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ए स्क्वायर को बाहर लेंगे तो आपको ये वाई की वैल्यू मिली। या फिर वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, सेम फार्मूला, दिस इज बी बाई ए इंटीग्रेशन ऑफ रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज एक्स रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस ए स्क्वायर बाई टू, सॉरी ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए जीरो टू ए। सो आप इसको कैलकुलेट करेंगे, ये आपको आसानी से मिल जाएगा पाई ए बी अपॉन फोर। अब यदि बात करते हैं द कंप्लीट एरिया ऑफ एलिप्स, क्वाड्रेंट की जगह कंप्लीट एरिया की बात करते हैं, तो ये इसी का फोर टाइम्स हो जाएगा, दैट इज एरिया ऑफ एलिप्स इज पाई ए बी। कुछ और हम क्वेश्चन लेते हैं ऐसे जो आपको थोड़ा मेंटल एक्सरसाइज भी देंगे। प्रॉब्लम थ्री, फाइंड द एरिया ऑफ द कर्व ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल वाई क्यूब टू ए माइनस वाई। ओके, तो यहाँ आप देखेंगे कि जो कर्व है आपका, यहाँ से y की वैल्यू निकालना चूँकि फोर्थ डिग्री क्वेश्चन है, सो y की वैल्यू निकालना आसान होगी, सो हम यहाँ से y की वैल्यू निकालना डिफ़िकल्ट होगी, इसलिए यहाँ हम वैल्यू x की आसानी से निकाल सकते हैं। गिवन कर्व कैन बी रिटन एज x इक्वल वाई क्यूब 2a माइनस वाई डिवाइडेड दिस होल रूट डिवाइडेड बाय a विथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन। तो अब यहाँ से हमारा इक्वेशन मतलब कर्व का इक्वेशन चेंज होगा, जैसे कि हमने एरिया निकाला था, एरिया निकाला था y इंटीग्रल a टू b एफ एक्स डी एक्स, इसी को आप देखेंगे कि यदि हम x y को आपस में चेंज कर दें, x एक्सिस है y एक्सिस ले लें, कर्व ले लें x इक्वल एक्स बाई एक्स इक्वल एफ बाई, ऑर्डिनेट की जगह हम एवरसेस ले लें, कोटि की जगह भुज ले लें, बाई इक्वल सी एंड वाई इक्वल डी, तो ये फार्मूला आपका जो चेंज होगा, ये फार्मूला आपका चेंज हो जाएगा सी टू डी एक्स एफ बाई डी वाई। देखिए हमने केवल नाम चेंज कर दिया, मतलब x एक्सिस को y एक्सिस कह दिया, ऑर्डिनेट को हमने एबसिस से कह दिया बाई इक्वल सी टू बाई इक्वल डी, मान लीजिए सी पॉइंट यहाँ ले लिया हमने और डी यहाँ ले लिया। ओके, और कर्व ले लिया एक्स इक्वल एफ बाई, तो कोई चेंज नहीं होगा फार्मूला में, केवल इनका नाम चेंज होने से आपको जो फार्मूला मिलेगा रिक्वायर्ड फार्मूला होगा, रिक्वायर्ड फार्मूला फॉर द एरिया ऑफ गिवन कर्व, फॉर द एरिया इज इंटीग्रेशन, जो भी लिमिट होंगी रीजन में, हम क्षेत्र को आर कह देते हैं, इंटीग्रेशन ओवर द रीजन आर एक्स डी वाई। ओके, वाई डी एक्स जगह एक्स डी वाई, लिमिट्स हम चूंकि इंटीग्रेट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू वाई, इसलिए हम लिमिट्स निकालेंगे वेरिएबल y के लिए। तो पहले तो हमें कर्व चेस करना पड़ेगा कि कर्व ये किस प्रकार से बनेगा, तो आप देखेंगे नाउ गिवन कर्व इज ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल वाई क्यू इंटू टू ए माइनस वाई, आर वी कैन राइट x इक्वल प्लस माइनस रूट ऑफ वाई क्यू इंटू टू ए माइनस बाई
अपॉन ए, सॉरी इसको हम थोड़ा चेंज करते हैं, थोड़ा ठीक से लिखते हैं, दिस इज एक्स इक्वल। ओके, तो यहाँ से हमें दो बातें समझनी चाहिए कि टेस्ट करने के लिए एक्स की पावर इवन है, एक्स की पावर टू है, सॉल्व द इक्वेशन इवन पावर है, देयरफॉर इट विल बी सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। तो फर्स्ट आपने टेस्टिंग में, मैं यहाँ नोट निकलता हूँ, सबसे पहले आप सिमेट्री देखेंगे। ओके, तो सिमेट्री के लिए सबसे पहले देखेंगे एक्स की पावर इवन है, सो इट विल बी सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। ओके, इसके बाद कुछ पॉइंट्स आप निकाल लेते हैं कि इट इनफैक्ट इट पासिस थ्रू ओरिजिन, कर्व इज पासिस थ्रू ओरिजिन, आपका कर्व टेस्टिंग कर्व डिवीजन हो जाएगा इसमें, पासिस थ्रू द ओरिजिन। यदि ओरिजिन से पास हो रहा है तो ओरिजिन पर हम टेंडेंट्स निकालते थे, टेंडेंट्स निकालने के लिए एक्स मतलब इक्वेशन में जो मिनिमम डिग्री टर्म्स होंगे, जैसे ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर सेकेंड डिग्री है, तो हम इसको जीरो से इक्वेट करेंगे, सो दैट इज एक्स इक्वल जीरो एंड एक्स इक्वल जीरो। सो आपको दो टेंजेंट्स मिली, मतलब दोनों कॉन्सिडेंट हैं, संपाती हैं। तो जब मूल बिंदु पर या किसी बिंदु पर कोई भी दो स्पर्श रेखाएं संपाती होती हैं तो बिंदु क्या होता है, कस्प होता है, देयरफॉर जीरो जीरो ओरिजिन इज ए कस्प। ये सब हमने कर्व टेस्टिंग के पहले सब इसको देखा था। तीसरा आप देख लें कि कर्व कट्स द वाई एक्सिस एट वाई इक्वल जीरो एंड वाई इक्वल टू ए, बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए ए का एक्सिस के वाई एक्सिस को कट करेगा, मतलब एक्स कितना होगा, जीरो, सो जीरो इक्वल बाई क्यू टू ए माइनस वाई, सो दिस इंप्लाइज वाई इक्वल टू ए एंड वाई इक्वल जीरो। सो आपको ये भी मिल गया कि वाई एक्सिस को कहाँ काटता है। इसके अलावा वाई यदि नेगेटिव होगा, मतलब वाई लेस देन जीरो, तो आपको एक्स क्या मिलेगा, इमेजिनरी, और वाई ग्रेटर देन टू होगा तब भी एक्स आपको इमेजिनरी मिलेगा। सो वाई कैन नॉट बी नेगेटिव एंड कैन नॉट बी ग्रेटर देन टू ए, इनफैक्ट द कर्व हैव नो एसिम्प्टोट, इस वक्र कोई अनंत स्पर्शी नहीं होंगे। तो यहाँ से आप देखेंगे कि जिससे हम कर्व बनाते हैं टेस्टिंग विद हेल्प ऑफ टेस्टिंग। ओके, सो ये एक्सिस, ये वाई एक्सिस कर्व आपका काटता है यहाँ इस पॉइंट पर, दिस पॉइंट इज जीरो टू ए, ओरिजिन इज ए कस्प, ओरिजिन से पास होता है कर्व, इनफैक्ट दिस इज लूप। तो आप कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स भी निकाल सकते हैं, है ना, जैसे हम लोग टेस्टिंग में निकालते थे। तो ये लूप होगा इस प्रकार से, और जितना राइट में है उतना ही लेफ्ट में होगा। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि ये थोड़ा स्मूथ बन गया, ठीक है, इसको चलने दीजिए ऐसे। तो ये जो एरिया है जो राइट में है, देखिए जो राइट में एरिया है ये, और जो लेफ्ट में एरिया है, वो दोनों इक्वल है। तो चूंकि कर्व सिमेट्रिकल है, कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, मतलब वाई की जितना राइट में है उतना ही लेफ्ट में है, तो जो एरिया आपका राइट में होगा वही एरिया लेफ्ट में भी होगा। तो चाहे तो इसको हम नाम दे सकते हैं कि दिस इज ओरिजिन ओ एंड हियर टेक एनी पॉइंट पी, सो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल, अब यहाँ मैक्सिमम वैल्यू क्या है जिसके लिए हमें इंटीग्रेट करना है, दिस इज एक्स डिवाई, इंटीग्रेट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू बाई, सो बाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, टू ए, सो लिमिट जीरो टू टू ए, और चूंकि सिमेट्रिकल है उतना ही एरिया लेफ्ट में भी, इसलिए हमने टू टाइम्स कर दिया, टू टाइम्स जीरो टू टू ए एक्स डिवाई, सो दिस इज टू टाइम्स जीरो टू टू ए, एक्स की वैल्यू रख दी रूट ऑफ वाई क्यूब, दैट इज वाई रेस टू थ्री वाई टू इंटू रूट ऑफ टू ए
माइनस बाई अपॉन ए डी वाई। यहाँ आप देखेंगे कि रूट के अंदर 2a माइनस वाई है, तो हमारा चैलेंज ये है कि हमें पहले रेडिकल हटाना है। तो रेडिकल हटाने के लिए सब्स्टिट्यूशन ले लीजिए कि y इक्वल y 2a माइनस वाई है, तो यहाँ ले लें 2a साइन स्क्वायर थीटा। ये सब्स्टिट्यूशन हम लेंगे तो आपका रूट अलग हो जाएगा ये। सो डी वाई विल बी 2 इंटू टू 4a साइन थीटा, डिफरेंशियल ऑफ साइन थीटा इज कॉस थीटा एंड डी थीटा। लिमिट्स भी चेंज करना होगा कि y इक्वल 0 इम्प्लाइज 2a साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 0 इम्प्लाइज साइन थीटा इक्वल 0, सो देयरफॉर थीटा इक्वल 0। एंड y इक्वल 2a इम्प्लाइज साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1, सो साइन थीटा इज 1, देयरफॉर थीटा इज पाई बाई 2, बिकॉज साइन पाई बाई 2 इज 1, सो देयरफॉर थीटा इज पाई बाई 2। तो इसकी लिमिट भी चेंज होगी, 2 टाइम्स 0 टू a वैल्यूज रख दीजिए। y क्यूब दैट इज 2a, y इज टू 3/2, सो 2a इज टू 3/2, साइन स्क्वायर इज टू 3/2 दैट इज साइन क्यूब थीटा। y को 2a सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2a माइनस 2a, 2a कॉमन निकलेगा, सो 2a रेस टू 1/2, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा एंड रूट इज कॉस थीटा। एंड डी वाई, डी वाई इज 4a साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। ये हम इसको पार्टीशन कर देते हैं यहाँ से। सो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, सो 2a रेस टू 3/2 एंड 2a रेस टू हाफ दैट इज 2 रेस टू बाई 2, 2a होल रेस टू 2 दैट इज 2a स्क्वायर, 4a स्क्वायर इंटू 4a, सो दिस इज 16a क्यूब इंटू 2, सो दिस इज 32, सो 32 a रेस टू 3/2 एंड डिवाइडेड बाई a भी था यहाँ। आप दो आपको एक इक्वेशन में देखा ना, सो दिस इज होल डिवाइडेड बाई a, सो दिस 32 a स्क्वायर एंड लिमिट 0 टू पाई बाई 2, साइन की पावर 3+1, साइन इज टू 4 थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। आपने गामा फंक्शन पढ़ा था, हम उसको रिकॉल करा देते हैं कि 0 टू पाई बाई 2 साइन इज टू एम थीटा इंटू कॉस इज टू एन थीटा डी थीटा इक्वल गामा एम प्लस 1/2 इंटू गामा एन प्लस 1/2 अपॉन 2 गामा एम प्लस एन प्लस 2/2। हियर आवर एम इक्वल 4 एंड एन इक्वल 2। गामा फंक्शन हम लोग जब रिडक्शन फार्मूला हम लोग देख रहे थे तभी गामा फंक्शन पढ़ा था, सो दिस इज 32 ए स्क्वायर गामा 4+1 दैट इज गामा 5/2, गामा 2+1 दैट इज 3/2 एंड डिवाइडेड बाई 2 गामा एम प्लस एन दैट इज 4+2+2/2, सो दिस इज 32 ए स्क्वायर गामा 5/2। इसकी वैल्यू भी हमने निकाली थी उस समय 3/2, 1/2 वैल्यू निकालना सिखाया था, 1/2 पिछला लेक्चर आप देखेंगे आपको समझ में भी आएगा। गामा 3/2 इज 1/2 रूट पाई डिवाइडेड बाई 2 गामा 4+2+2 दैट इज 8/2 दैट इज गामा 4 एंड गामा 4 इज फैक्टोरियल 3 इज 3 into 2 into 1। सो अब इसको और ये 3 आप कैंसिल करेंगे, ओके जो कैंसिल हो रहे हैं आप उनको कैंसिल कर दीजिए, ये 3 कैंसिल होगा आपका, 2 to the 4 to the 8 4 the 32, सो हियर रिमेंस ओनली पाई ए स्क्वायर, दिस इज अवर रिक्वायर्ड एरिया। तो एरिया बिटवीन कर्व से निकालते हैं हम, कि वक्रों के बीच में भी आपको एरिया निकालना आना चाहिए। तो इसके लिए हम देखते हैं एरिया बिटवीन कर्व्स, एक नया टॉपिक देखते हैं, इसी का एक्सटेंशन है एरिया बिटवीन
टू कर्व्स, दो वक्रों के बीच का क्षेत्रफल। तो मान लीजिए जैसे आपने एक्सिस ऑफ एक्स और वाई ड्रॉ करते हैं, ओके दिस इज एक्सिस ऑफ एक्स एंड दिस इज एक्सिस ऑफ वाई। एक कर्व मान लीजिए आपका दिया हुआ दिस इज वाई इक्वल एफ वन एक्स एंड सेकेंड कर्व इज वाई इक्वल एफ टू एक्स, तो इनके बीच का एरिया। तो आप देखेंगे अपर कर्व पर कोई पॉइंट लेंगे उसके बाई कोऑर्डिनेट जो होगा नीचे वाले कर्व से बाई कोऑर्डिनेट से बड़ा होगा। तो पहले आप इनका डिफरेंस देख लीजिए, एफ वन एक्स माइनस एफ टू एक्स, आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, ये आपका रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा विद प्रॉपर लिमिट। जैसे मान लीजिए यहाँ ऑर्डिनेट एक्स इक्वल है और ये इंटरसेक्शन पॉइंट एक्स इक्वल भी, ये बिल्कुल पिछला जो हमने एरिया निकाला था बिल्कुल उसी जैसा है कि अपर कर्व के लिए और लोअर कर्व इनके लिए इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लीजिए। इंटरसेक्शन पॉइंट पर एक्स कोऑर्डिनेट देख लीजिए आप क्या है, और उसके बाद अपर कर्व के लिए वाई की वैल्यू माइनस लोअर कर्व के लिए वाई की वैल्यू। तो इसके लिए हम फिर एक प्रॉब्लम लेके चलते हैं कि फाइंड द एरिया। इसके लिए डायग्राम स्केच करना बहुत जरूरी है, डायग्राम बनाना आना चाहिए, तभी आप एरिया के लिए सही फार्मूला लिख पाएंगे और लिमिट्स भी आप बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। सो फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व वाई इक्वल एक्स स्क्वायर एंड द स्ट्रेट लाइन वाई इक्वल एक्स। तो अब आप यदि ये पैराबोला नहीं समझेंगे, पैराबोला नहीं खींच पाएंगे, तो आप एरिया कैसे निकालेंगे। इसलिए आपको डायग्राम आना बनाना आना चाहिए। तो फिर से देख लीजिए, बड़े सिंपल होते हैं डायग्राम बनाना, एक्सिस ऑफ एक्स एक्सिस ऑफ वाई, और जिन्होंने स्कूल लेवल में पैराबोला बनाना सीखा नहीं है वहाँ से आप देख लें कि यहाँ से हम बड़ी आसानी से देख सकते हैं एक्स इज प्लस माइनस रूट वाई। मतलब यदि हम वाई को वैल्यू यानी वन वैल्यू ऑफ वाई, वी हैव टू वैल्यूज ऑफ एक्स, मतलब एक्स के एक मान के लिए वाई के दो मान होंगे। एक तो ये तरीका हुआ, दूसरा तरीका आप कर्व टेस्टिंग से पढ़े थे सिमेट्री कि एक्स की पावर इवन है तो कर्व विल बी सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, मतलब वाई एक्सिस के सापेक्ष सममित होगा। तो आपका जो पैराबोला का शेप होगा, हम येलो लाइन से बनाते हैं कि पैराबोला का शेप जो होगा, यहाँ से आप देखेंगे तो इस प्रकार से पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, और वैसे ही आपका ये नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, है ना। ओके सॉरी, ये हम कैंसिल करते हैं, थोड़ा ठीक से स्केच नहीं हुआ है ना। ओके ये तो यहाँ से आप देखेंगे तो यही आपका नेगेटिव डायरेक्शन में भी जाएगा पैराबोला। ओके तो स्ट्रेट लाइन वाई इक्वल एक्स, तो वाई इक्वल एक्स लाइन मतलब इक्वली इंक्लाइन टू बोथ द एक्सिस। तो आप यहाँ से लाइन ड्रॉ कर देंगे कि जो दोनों अक्षों पर बराबर झुकी हुई हो, मान लीजिए लाइन है वाई इक्वल एक्स। आप आसानी से देख सकते हैं कि लाइन वाई इक्वल एक्स, ओके इन दोनों से आपको क्या मिला कि वैल्यू पुट कर दीजिए, देयरफॉर एक्स स्क्वायर इक्वल एक्स, सो इम्प्लाइज एक्स इंटू एक्स माइनस वन इक्वल जीरो, देयरफॉर एक्स इक्वल जीरो एंड वन। और जब एक्स इक्वल जीरो एंड वन तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा आपको वन एंड वन, और ये लोअर पॉइंट भी मिलेगा ओरिजिन आपका जीरो एंड जीरो, बिकॉज लाइन एंड कर्व बोथ पासेस थ्रू द ओरिजिन, चूँकि दोनों मूल बिंदु से जाते हैं। अब आप देखेंगे अपर कर्व है वाई इक्वल लाइन, वाई इक्वल एक्स लाइन है, और नीचे कर्व है आपका वाई इक्वल एक्स स्क्वायर। तो आप यहाँ आसानी से एरिया दिखा सकते हैं कि रिक्वायर्ड एरिया इक्वल जीरो टू वन वाई डी एक्स। ओके वाई डी एक्स जो आपके बेसिक फार्मूला है, तो फर्स्ट कर्व के लिए एफ वन एक्स माइनस एफ टू एक्स दैट इज वाई वन माइनस वाई टू। तो फर्स्ट कर्व आपका है अपर कर्व है, लाइन है
दैट इज वाई इक्वल एक्स माइनस लोअर कर्व वाई इक्वल एक्स स्क्वायर है, इससे आप इंटीग्रेट कर दें। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज एक्स क्यू बाई थ्री लिमिट जीरो टू वन। फॉर लोअर लिमिट दोनों शून्य होंगे निम्न सीमा के लिए, तो एक्स को एक रखते हैं सो दिस इज वन बाई टू, और फिर से एक्स को एक रखें तो वन बाई थ्री सो दिस इज वन बाई सिक्स। सो द रिक्वायर्ड एरिया इज वन बाई सिक्स स्क्वायर यूनिट। तो सबसे मुख्य बात है बच्चों कि हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो हमें उसके लिए फार्मूला निकालने के लिए, एरिया निकालने के लिए आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए। एक और चलो इसमें हम एग्जांपल लेते हैं कि फाइंड द एरिया बिटवीन द पैराबोलास आर एरिया enclosed by the parabolas by square equal 4ax and x square equal 4ay। अब देखिए दो पैराबोला आपको बनाना है, दोनों की इक्वेशन आपको मालूम है ओके। तो फॉर्मूला स्केच करने के लिए आप पहले एक पैराबोला बना लीजिए वाई स्क्वायर इक्वल फोर एक्स। चलिए हम एक्सिस ऑफ एक्स ले लेते हैं और एक्सिस ऑफ वाई, ये एक्सिस ऑफ वाई लिया आपने देन एक्सिस ऑफ एक्स वाई स्क्वायर इक्वल फोर एक्स मतलब सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, मतलब एक्स अक्ष के ऊपर जितना होगा उतना ही नीचे होगा। सो ये पैराबोला आपने यहाँ लिया, चलिए एक्स एक्सिस के ऊपर जितना है उतना ही एक्स एक्सिस के, तो ये थोड़ा ठीक स्केच नहीं हुआ, एक्स एक्सिस के उतना ही नीचे होगा। इसी प्रकार से चलिए मान लीजिए ओरिजिन पर कट करता है, इसी प्रकार से एक्स स्क्वायर इक्वल फोर बाई एक्स की पावर इवन है तो जितना ये सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस होगा, तो जितना वाई एक्सिस के राइट में होगा उतना ही वाई एक्सिस के लेफ्ट में होगा। तो ये आपको इंटरसेक्शन पॉइंट भी आप आसानी से देख सकते हैं, दिस इंटरसेक्शन पॉइंट इज 4a 4a, वाई को आप 4 रखें 4a, एक्स को यहाँ 4a रख दें सो वाई इज 4a, और दूसरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज 0 0 जो आपका ओरिजिन है दोनों पैराबोलास के लिए। तो अपर पैराबोला फिर से लिखें कि अपर पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल फोर एक्स इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, सो दिस अपर पोला पैराबोला इज वाई स्क्वायर इक्वल फोर ए एक्स एंड लोअर इज एक्स स्क्वायर इक्वल फोर ए वाई ओके, बिकॉज दिस इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, वाई की जितना राइट में उतना ही लेफ्ट में। तो डायग्राम जितना अच्छा बना लेंगे आप वैसे ही इसको सीधा लिख सकते हैं। सो रिक्वायर्ड एरिया इज 0 to 4a, भाई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है 0 0 एंड 4a 4a, तो 0 to 4a वाई डी एक्स, सो वैल्यू ऑफ वाई फॉर अपर कर्व ऐसे भी लिख सकते हैं, वैल्यू ऑफ वाई फॉर अपर कर्व माइनस वैल्यू ऑफ वाई फॉर लोअर कर्व दिस इज डी एक्स, सो दिस 0 to 4a अपर कर्व वाई स्क्वायर इक्वल 4ax, सो वाई इज रूट ऑफ 4ax माइनस फॉर लोअर कर्व वाई एक्स स्क्वायर इज 4ay, सो वाई इज एक्स स्क्वायर अपॉन 4a दिस इज dx। सो अब इंटीग्रेट करते हैं, रूट ऑफ 4 इज 2, a इज कॉन्स्टेंट सो बाहर लिया रूट ऑफ x दैट इज x इज टू हाफ, इंटीग्रेशन इज x इज टू 3 बाई 2 बाई 3 बाई 2 एंड लिमिट
जीरो टू फोर ए माइनस वन बाई फोर ए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर इज एक्स क्यूब बाई थ्री लिमिट जीरो टू फोर ए, और लोअर लिमिट जीरो रखेंगे तो दोनों ही जीरो होंगे, सो दिस इज टू ए इज टू थ्री बाई टू देन फोर इज टू थ्री बाई टू इंटू ए इज टू थ्री बाई टू बाई थ्री बाई टू माइनस वन बाई फोर ए फोर क्यूब ए क्यूब बाई थ्री, सो दिस इज रिजल्ट इज फोर टू इज वन बाई टू, इसको मल्टीप्लाई करते हैं सो दिस इज फोर इज टू थ्री बाई टू दैट इज टू स्क्वायर रेज टू थ्री बाई टू सो टू क्यूब दैट इज एट इंटू टू, सो एट इंटू टू और डिनोमीटर से भी टू ले जाएंगे ऊपर डिनोमीटर डिनोमीटर ऑफ डिनोमीटर सो दिस इज थर्टी टू बाई थ्री ए स्क्वेयर माइनस एक फोर आप कैंसिल करेंगे सो दिस इज सिक्सटीन बाई थ्री ए स्क्वेयर ए भी कैंसिल होगा सो रिजल्ट इज सिक्सटीन बाई थ्री ए स्क्वेयर दिस इज अवर रिक्वायर्ड एरिया। ओके तो एरिया निकालना बहुत सिंपल है, उसके लिए आपको कर्व बनाना आना चाहिए। तो ये आपका टॉपिक कॉलेज का कंप्लीट।